अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो एक न्यूज़ टाइप की है। तीन फ़ोन के बारे में इधर आपको अपडेट मैं एक तरह की देने वाला हूँ। Redmi 10 वाला फ़ोन अभी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा तगड़ा फ़ोन रहा है, Redmi 9 वाला। तो इसका सक्सेसर आने वाला है Redmi 10 के नाम से, जिसमें कैमरे वगैरह भी काफ़ी तगड़े ये लगाने वाले हैं। अभी इसके ज़्यादातर स्पेसिफिकेशन और इसका डिज़ाइन वगैरह तो नहीं निकल कर आया, लेकिन ये फ़ोन 50 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ आएगा। यानी बैक पे 3 कैमरे होंगे, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन, 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का एक सेंसर होगा। और इसके अलावा इसमें डिफरेंट वेरिएंट आएंगे। 4GB 64GB वाला बेस वेरिएंट होगा, 4GB 128GB और 6GB RAM 128GB वाला ऑप्शन भी इसमें मिलेगा। और इसके अलावा जो चिपसेट इसमें होगा, ये मीडियाटेक का कोई लेटेस्ट चिपसेट लेकर आ सकते हैं। जैसे कि अभी मीडियाटेक ने G88 और G96 वाला चिपसेट लॉन्च किया है, तो हो सकता है दोनों में कोई इसमें भी मिल जाए। 4G सपोर्टेड ये फोन होगा और काफी तगड़ी प्राइस के साथ आएगा। यानी Redmi Note 10 वाला फोन तो 30,000 में पाकिस्तान में मिलता है, तो उससे कम ही होगी इसकी प्राइस। 25,000 की प्राइस में ये फोन आ सकता है तबाही किस्म का, तो जिसको आने में मेरे ख्याल में 2 मंथ लग सकते हैं। तो आप इसका वेट कर सकते हैं अगर Redmi का कोई बजट रेंज में फोन लेना है तो। और इसके अलावा पाकिस्तान में इसी मंथ में या नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में ही पोको F3 GT वाला फोन आ सकता है, जो कि काफी तगड़ा है गेमिंग के लिए और प्रोसेसर वगैरह भी काफी ठीक इसमें मिल जाता है। एमोलेड वाला डिस्प्ले इसमें मिलता है, 120Hz रिफ्रेश रेट वाला, 1080p रेजोल्यूशन के साथ। डायमेंसिटी 1200 वाला इसमें चिपसेट है, 6 लाख के अब भी इसके एंटूटू स्कोर आते हैं, तो ठीक ठाक है। 6GB 128GB वाला इसमें बेस वेरिएंट है, बैक पे 3 कैमरे हैं, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 16 मेगापिक्सल की इसमें सेल्फी, डुअल स्टीरियो स्पीकर, 5065mAh की बैटरी और 67W का फास्ट चार्जर इसमें मिलता है। और इसके अलावा सैमसंग का एक लो बजट का फोन गैलेक्सी A12s के नाम से फोन आ सकता है 25,000 की प्राइस के पास। तो अभी जो पाकिस्तान में आपको गैलेक्सी A21s वाला फोन मिलता था, तो उसका ये सक्सेसर बोल सकते हैं, लेकिन ये उसी वाले चिपसेट के साथ आ रहा है। इसमें भी एक्सोनोस 850 वाले चिपसेट होगा। जो इसकी परफॉर्मेंस मिलती है वो बजट रेंज वाली है, इसके एंटूटू स्कोर 1,25,000 तक आते हैं। और अभी इसकी स्पेसिफिकेशन कुछ निकल कर आई है, जिधर आपको डिफरेंट इसके रैम वेरियंट मिलेंगे, 4GB RAM 64GB वाला जिधर बेस वेरियंट हो सकता है, 5000mAh की इसमें बैटरी होगी और डिस्प्ले इसमें LCD वाला ये दे सकते हैं 720p रेजोल्यूशन के साथ। तो ये वाला फोन भी पाकिस्तान में नेक्स्ट मंथ के लास्ट तक हो सकता है पाकिस्तान में लॉन्च ये कर दें, क्योंकि सैमसंग भी पाकिस्तान में अपने असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाला है। क्योंकि प्राइसेस जो गवर्नमेंट ने इंक्रीज की है, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है इन पे, क्योंकि प्राइसेस ज्यादा हो रही है, जिससे कंपनी की सेल कम होगी, तो इसीलिए ये ज्यादा फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान में अपने यूनिट लगाएंगे, जो कि आपको न्यूज मिली भी होंगी। तो ये वाले दोस्तों तीन फोन है जो कि आपको आने वाले दिनों में पाकिस्तान में मिल सकते हैं, और इनमें से जो मुझे ज्यादा एक्साइटेड लगा है वो Redmi 10 वाला फोन है। अफोर्डेबल प्राइस में 50 मेगापिक्सल का कैमरा, तो Xiaomi जब भी करता है अफोर्डेबल रेंज वालों के लिए तो धमाल किस्म की डिवाइसेस लेकर आता है, तो इस फोन का आप वेट कर सकते हैं। तो अगर आप 2-3 मंथ तक अपना पुराना ही फोन यूज करना चाहते हैं और उसके बाद ही फोन चेंज करने का सोच रहे हैं, तो ये वाला फोन काफी अच्छा रहेगा। तो बाकी आपको इन तीनों में से कौन सा फोन ठीक लगा कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।